हम दीपक कबीर जी के साथ हैं, जिनको लखनऊ वाले रंगकर्मी के रूप में एक जानते हैं। लेकिन 19 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जो प्रदर्शन हुआ, उसके बाद पुलिस ने इनके साथ बर्बरता की, इनको गिरफ्तार किया और इनको एक अभियुक्त बना दिया 120B का और 307 का। और हम बात करेंगे दीपक जी से कि पुलिस का क्या रवैया था उनके साथ गिरफ्तारी के बाद। दीपक जी, आपको 20 तारीख को गिरफ्तार किया गया, जैसा कि बताया जा रहा है कि आप अपनी दोस्त का पता करने गए थे कि वो कहाँ है। पुलिस का क्या रवैया था आपके साथ? पुलिस का रवैया बदला लेने वाला था। पुलिस एक बौखलाहट से भरी हुई थी, और चूंकि हम लोग, ठीक है, हम लोग थिएटर और आर्ट फॉर्म से जुड़े रहते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बदलाव की चीज़ें हैं। एक्टिविज्म हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहा है। तो जानते हैं 19 तारीख को जो जो हुआ, 19 तारीख को हम लोगों ने एक सिविल तरीके से जितना कर सकते थे उन्हें किया, और हमने उसको नेक्स्ट डे फेसबुक पोस्ट भी डाली है। 20 तारीख की सुबह हमारे कुछ साथी नहीं आ पाए थे, वो गायब थे, जिनका रात में पता चला कि उनको अरेस्ट कर लिया गया या फंस गया। तो रात में भी मैं निकला, एक दो थाने गया पर पता नहीं चला। सुबह जब सब परेशान हो रहे थे, पुलिस ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तब मैं एक थाने गया, उस थाने में नहीं मिले, फिर मैं दूसरे थाने गया, हजरतगंज थाने में मैं खुद गया और सीधे मुझे रोकने की कोशिश करी, पर मैं अंदर चला गया कि देखूं क्या मसला है। और वहाँ मुझे एक दोनों साथी मुझे मिल गए, और मैं फ़ोन पे ही बात कर रहा था एक अधिकारी से, तब तक इंस्पेक्टर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फ़ोन खींच लिया। उसके बाद जैसे कैब हटाया, फिर उसने मुझे पहचानने की कोशिश करी, और चूंकि एक शहर में मेरा नाम है, उसके पहले भी लगातार आंदोलन में मैं शामिल था, एक जो जामिया के खिलाफ हुआ था, तो उससे उसके अंदर जो रिवेंज था, क्योंकि भाई आपको किसी को मौके पे बरामद करें मारें अलग बात होती है, अगर आपको किसी से कुछ कबुलवाना हो, कुछ निकलवाना हो, तो पुलिस करती है 3rd डिग्री, तो समझ में आता है। कोई आपके थाने में आया है और आपसे पूछने आया, जो उसका डेमोक्रेटिक राइट है, उसके बाद भी अगर आपको बहुत लगता है तो चलो आप कह दो कि नहीं, हम आपको अरेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप कि नहीं, आप पकड़ में आए हैं और बदला लेना कि हम सारी क्रांतिकारिता निकाल देंगे, हम पूरा भगत सिंह निकाल देंगे, और इनको पहचानवाना, और फिर उसके बाद जिस तरीके से हाथ पैर पकड़वा के इतना पीटो कि अब उसके बाद इनकी समझ में आ जाए कि क्या होता है। और यही नहीं, एक राउंड के बाद मेडिकल कराने के बाद फिर और सीनियर अधिकारी, जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, वो उसको बुलाया जाए और उसकी बैठक में ले जाया जाए, फिर उसके साथ उसी तरह का आर्गुमेंट हो, वो भी सुनने को तैयार नहीं हो, और एक अजीब किसे गाली गलौज से भरी भाषा। आप कैसे एंटी विमेन, जो अपराध होते हैं, जो रेप होते हैं, जो बच्चियों के साथ मोलेस्टेशन होता है, कैसे रोकेंगे जब पूरी पुलिस की जबान औरतों और बच्चियों के लिए एक वॉयलेंस और एक गालियों से भरी हुई है, बीमार हैं। और उसके बाद फिर सेकेंड राउंड की इतना पीटो कि 3 महीने तक उठ ना पाए, 2 इंच तक जो है सूज जाना चाहिए। ये मुझे नहीं लगता है कि ये, मतलब जैसे आप फ्यूडल एरा में पहुंच गए हैं, और एक आईपीएस ऑफिसर जब कहे कि इनके बाल, ये बाल तो कम्युनिस्टों के होते हैं, ये लोग कम्युनिस्ट हैं, और मतलब उसने भी पढ़ाई करी होगी, उसे कितने दोस्त कम्युनिस्ट होंगे, मेरे कितने दोस्त भाजपाई हैं, कितने कम्युनिस्ट हैं, कितने सपा में हैं, कितने कांग्रेस में हैं, ये जो डेमोक्रेटिक आवाजाही होती है, इसको धज्जियां उड़ाते हुए कि अरबन नक्सल हैं, इनकी लिस्ट तैयार करो, इन सबको खत्म कर देंगे, सबक सिखा देंगे, ये थोड़ा मेरे लिए लखनऊ में रहते हुए शॉकिंग था। जैसे कि आपने बताया भी, हम और जानना चाहेंगे कि कई लोगों ने ऐसा भी हमें बताया कि उन पे सांप्रदायिक विशेष को गालियां पुलिस दे रही थी। तो क्या किसी एक आइडियोलॉजी को, किसी एक नज़रिए को, हिंदुस्तान में कई नज़रिए के लोग रहते हैं, बहुत से नज़रिए के लोग रहते हैं, क्या किसी एक विशेष नज़रिए को वहाँ पे पुलिस टारगेट कर रही थी? देखिए, पुलिस का पहला टारगेट एक तो इस पूरे मसले को उसने हिंदू बनाम मुस्लिम बनाने की कोशिश करी। मेरे साथ जितने अरेस्ट हुए हैं उसमें 90 मतलब इत्तफाक ये है, और ये उनके लिए, मेरे, मैं कहता हूँ अच्छा हुआ मैं पकड़ा गया, कि हम दो तीन चेहरे और जो सबसे बड़े चेहरे थे वो हिंदू आइडेंटिटी के साथ थे, वरना सब के सब मुसलमान हैं। कोई बिस्कुट बनाता है, कोई सड़क पे दवा लेने जा रहा था, कोई कहीं पे बच्चे अपना बैंक से पैसा निकालने आए थे, इन्होंने जो मिला उसको उठाया और बुरी तरह मारा, सिर्फ और
वो समझ नहीं पाए, या तो दीपक कबीर के नाम से कंफ्यूज रहे या मेरे एक्टिविज्म से उनको समझ नहीं आया दुश्मनी निकालने में, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश करी और जो मेरे साथ बंद होके गए जेल में मिले कि मुझे कहते हुए शर्मिंदगी होती है, मैं शर्मिंदा हूँ इस देश में इस माहौल को लेकर कि दो किसी सिपाही ने मतलब कटुए को सबक सिखाना है तो बहुत आम था, दो बच्चों को तो थूक चटाया होकर, मतलब ये इस पुलिस के लिए भी शर्म की बात है, इस उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी शर्म की बात है, उसको जांच उसकी भी इमेज की चौपट हुई है। उस सरकार का काम होता है कि अपने नागरिकों में ठीक है विरोधी है, ट्रस्ट पैदा करना, एक भरोसा पैदा करना, विरोधी से विरोधी भी अगर ज्ञापन देते हैं मेमोरेंडम देते हैं तो सेवा में मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश लिखते हैं, उनकी सेवा में राज्यपाल से डेलीगेशन मिलने जाता है तो सेवा में लिख के मिलने जाता है, ये किसके पास जाएंगे आप, इनके पास कौन सा रास्ता बचा है? आपने जो धाराएं लगाई हैं उन धाराओं में जेलों में सड़ जाते हैं लोग, लेकिन वो इतनी झूठी थी कि पहली बहस में 20 दिन के अंदर हम लोग बाहर हैं, वरना आप 307 यानी कि आपने अटेम्प्ट टू मर्डर, हाफ मर्डर कहा जाता है इसको, से लेकर सारी धाराएं उसके साथ क्रिमिनल एक्ट, उसके साथ पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेजिंग एक्ट, उसके साथ सारी चीजें लगाने के साथ इंक्लूडिंग 120B कि ये सारी साजिश के जिम्मेदार हैं, कुछ नहीं छोड़ा था उन्होंने, लेकिन वो इतना फेक था कि उसकी पहली बहस में ही धज्जियां उड़ गईं। क्या लगता है कि एक डायलॉग का माहौल खत्म हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर? एग्जैक्टली, और डायलॉग मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मुझसे लोग पूछ रहे थे जेल में कि लोग डरे हुए हैं, मैंने कभी नहीं देखा लखनऊ में एक्टिविज्म को, हमने कहा बाहर हो क्या रहा है, बोले सबके फोन स्विच ऑफ है, लोग डरे हैं भागे हैं, हमने कहा कौन सा गुनाह किया है, ये जो दहशत है। मुझसे पूछा गया कि क्या करें तुम जेल में हो, मैंने पहले कहा था कि मोदी जी ने अपने ट्वीट में कहा, अपने भाषण में कहा कि हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने का राइट है, उन्होंने सिर्फ याद दिलाया ये हमें मालूम है पहले से, मैंने कहा वो परमिशन नहीं देंगे, आप मांगो हमें प्रोटेस्ट करना है, वो डिनाई करेंगे परमिशन नहीं देंगे, दोबारा मांगो तिबारा मांगो 100 बार मांगो, हमें उनको डेमोक्रेसी के खांचे में खींच के लाना है, ये देश डेमोक्रेसी से ही चलेगा और ये उनकी भी जिम्मेदारी है, वो भी संविधान की शपथ लेकर आए हैं, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, मुल्क को बचाने की लड़ाई है, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि विरोधियों की आवाजों को दबा देंगे। क्या लगता है संविधान के की बात आपने की, क्या लगता है कि मौजूदा हालात में संविधान की शपथ लेके लोग आए हैं और बदला लेने की बात कर रहे हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए मुझे लगता है कि संविधान चूंकि एक रस्मी परंपरा है और देश इतनी मजबूत जड़ों से बना है कॉन्स्टिट्यूशनल, उसका बॉन्डिंग इतनी मजबूत है कि ये इनकी मजबूरी है, पर दिल से मुझे लगता नहीं कि ये, क्योंकि आप सीए को लेकर जो मिस इन्फॉर्मेशन हो रही हैं और जो पूरा सरकारी प्रोपेगेंडा जिस तरीके से बात कर रहा है, इवन स्कूल्स में फंड दिए जा रहे हैं कि वो सीए को लेकर मीटिंग्स करें, इंस्टीट्यूशंस में न्यूज़ चैनल और तमाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन उनके एजेंडे पे उसको लगातार कह रहे हैं कि गलतफहमी फैलाई गई। मैं चैलेंज देता हूँ, ओपन डिबेट की बात करता हूँ, कोई आ जाए ये मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी, ये भ्रम, ये ऐसी कोई बात कभी रही नहीं है, नागरिकता ये तो तुम्हारे धोखे हैं जो तुम्हारे भीतर से निकल के आ रहे हैं कि तुम ऐसा समझ रहे हो, ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल की धज्जियां उड़ा रहे हैं, हम उसको डिफेंड कर रहे हैं कि आपको ये नहीं होने देंगे, हम कि आप कहते हो उत्पीड़न, हम कहते हैं दुनिया भर के उत्पीड़ितों को बुला लो, आपके पास अगर संसाधन हो जगह हो हम किसी को नहीं रोकेंगे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि हम गोरे रंग वालों को बुलाएंगे काले रंग वालों को नहीं बुलाएंगे, आप ये नहीं कह सकते हो कि हम ब्राह्मणों को बुलाएंगे दलितों को नहीं बुलाएंगे, उसी तरह आप ये नहीं कह सकते हो कि हम हिंदुओं को बुलाएंगे सिखों को बुलाएंगे ईसाइयों को बुलाएंगे और मुसलमानों को नहीं बुलाएंगे, तो डिस्क्रिमिनेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड हो ही नहीं सकता, और ये जो इन्होंने शर्त लगाई है हम इसके खिलाफ है। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि सरकार घड़ी घड़ी ये बात कह रही है, दोहराई जा रही है सरकार की तरफ से कि किसी को कोई खतरा नहीं है, किसी को कोई डरने की बात नहीं है, उसके बाद भी क्या आपको लगता है कि ये सीएए का आंदोलन आगे ले जाने की जरूरत है? हाँ, क्योंकि सरकार विश्वास खो चुकी है,
सरकार ने नोटबंदी में भी यही कहा था कि किसी को डरने की जरूरत है नहीं है, 50 दिन में हमें 50 दिन दे दो। आपको याद है नोटबंदी आज भी सबके जहन में ताजा है। सरकार ने बहुत से वायदे किए, सरकार ने 2 करोड़ रोजगार का भी वायदा किया था, सरकार ने जो है पेट्रोल को सस्ता करने का भी वायदा किया था। तो जब एक सरकार अपने वायदों पे लगातार, वो अपने ही YouTube पे कितने आपको वीडियोस मिल जाएंगे, लगातार पलटती हुई झूठ बोलती हुई मिलती है, तो जनता ठगा महसूस करती है। और ये आप धन के मामले में, नौकरी के मामले में, संसाधनों के मामले में ठगा जाना बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब आपके अपनी वजूद पे खतरा होता है तो क्या करेंगे इन आप? क्या ये मुसलमानों में डर होना स्वाभाविक नहीं? जिस जगह की पुलिस उसे अगर कटुआ और ये करेगी व्यवहार, वो डरेगा नहीं कि आगे चल के? असम के अंदर क्या हुआ है, आपके अंदर NRC के अंदर ये है कि कोई भी ऑब्जेक्शन लगा सकता है, उसमें दुश्मनियां निकाली गई हैं कि हमें इनसे दुश्मनी है, हमने कोई भी ऑब्जेक्शन लगा दिया नहीं है, अब ये चक्कर काट रहे हैं। उस ऑब्जेक्शन को सॉल्व होने तक अगर ये कह दिया गया कि जितने लोगों पर ऑब्जेक्शन है वो अभी वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए जाएं इनको, क्योंकि ये डाउट में चल रहा है, हम खारिज नहीं कर रहे हैं, डाउट में चल रहा है, तो कितने हजार लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। ये सब जनता को मालूम है क्या? क्या इसकी कोई गाइडलाइन इन्होंने तैयार करी है? क्या सामने लाए हैं? पर भाषणों में इन्होंने ऐलान कर दिया। तो अगर आपको मालूम है कि आपको जनता को जोड़ के रखना है तो उसका विश्वास जीतें पहले संसद में तो विश्वास कायम करें। क्या इन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना के उसके साथ डिस्कशन करने की कोशिश करी? तो अहम से और दम्भ से और अभिमान से देश नहीं चलता है, देश साथ लेकर चलता है। वो साथ लेके नियत आती तो कोई क्यों नहीं साथ देता? तो हम अगर फिक्रमंद हैं तो इनकी जिम्मेदारी है कि हमारी फिक्र को दूर करें, लेकिन अगर आप हम पर 307 का मुकदमा करेंगे तो हमारी फिक्र बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ये थे दीपक कबीर साहब, जो कल जेल से छुटके आए हैं। CAA के कानून के विरोध करने में इनको जेल भेजा गया, और अब इनका कहना यह है कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो हमारा संविधान है, वो कभी भी किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को अलाउड नहीं कर सकता, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को कबूल नहीं कर सकता है, और हमारे दिल में जो आशंकाएं हैं उसको दूर करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को। किसी पे मुकदमे लगा के, किसी के खिलाफ दमन करके आशंकाओं को दूर नहीं किया जा सकता है। दीपक की बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।